गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 16, भोर और बरखा। क्लास 7th का है ये चैप्टर। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। इसमें क्या है, कृष्ण जी की छवि दी गई है। बोला गया है कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। मतलब रात बीत गई है, सुबह हो गई है और सबके घर के जो गेट हैं वो खुल गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जो गोपियां हैं वहाँ की, जो औरतें सब हैं, वो क्या कर रही हैं, दही को मथ रही है मक्खन निकालने के लिए। और जो उनके हाथों के कंगन हैं वो आपस में छनक रहे हैं और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुन नर ठाणे द्वारे। उठो उठो, सब उठकर अपने द्वार पर आ चुके हैं, आप भी उठिए लाल जी। ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, जय जय सब उचारे। माखन रोटी हाथ में हलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु कीर्तन नागर, शरण आए को तारे। मतलब जो बच्चे लोग हैं वो अपने हाथ शोर मचा रहे हैं और जय जयकार लगा रहे हैं। तुम भी उठो और माखन को रोटी में लेकर, अपने हाथ में लेकर मुंह में खाते हुए जाओ। और जो गाय है उसे देखो और उसको चारा चराने के लिए लेके जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। और जो आपके शरण में आया है उसे तारिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन का मौसम है, बादल लग रखा है और वो बरसने जैसा हो रखा है। बादल का जब मौसम होता है तो हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए बोला गया है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। ठीक है, आगे चलते हैं। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। घुमर घुमर चहुती सच से आया, दामिन दमके झर लावन की। मतलब सावन में मेरा मन उब गया है, अब प्रभु की आने की आवन सुनाई दे रही है। मतलब उनके आने का आगमन सुनाई दे रहा है। और उमड़ घुमड़ यानी इधर उधर से चारों दिशा से जो हवा है वो आ रही है और वैसे लग रहा है कि झरना आएगी, अब बारिशों की झरना आएगी। नन्नी नन्नी बूंदन में यहाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। छोटी छोटी बूंदे हैं पड़ रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मतलब वो बहुत आराम से अपना गाना गाए। ठीक है, तो इस पाठ को लिखा है मीराबाई जी ने। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।